Hey guys, welcome to my video. और आज का जो ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं पारसनाथ। और पारसनाथ जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और विंटर के समय जो पहाड़ के ऊपर जाने के बाद जो व्यू आता है वो वाकई बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो इस वक्त मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ यहाँ जाने की तैयारी कर रहा हूँ, और मैं खुद भी पारसनाथ पहली बार जा रहा हूँ, तो देखते हैं कि कैसा खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। और मैं देखूँगा तो जाहिर सी बात है कि आपको भी देखने को मिलेगा। तो सीधा बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको लेकर चलते हैं पारसनाथ। बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें कि आज हम पहली बार पारसनाथ जा रहे हैं। देखते हैं कि कैसा नज़ारा होता है वहाँ पर, और जहाँ तक मैंने सुना है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और जिस नज़ारे का मैं दर्शन करूँगा मैं जाहिर सी बात है मैं आपको भी करवाऊंगा। तो मिलते हैं पारसनाथ में। खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ, खो गए हम कहाँ, रंग सा ये जहाँ, डायरेक्टर साहब जो अभी थोड़ी देर पहले ड्राइविंग कर रहे थे और अभी रेस्ट मोड में हैं। आज हम लोग चलेंगे झारखंड का टूरिस्ट में, देखेंगे कितना अच्छा है झारखंड, भी घूमने का जगह है, सबको पता रहना चाहिए। प्रमोट झारखंड टूरिस्ट। यहाँ पे ये देखिए कि अमित जी पीछे बैठकर खा रहे हैं सिर्फ, और किसी से पूछ भी नहीं रहे हैं कि खाना है या नहीं, किसी को ऑफर भी नहीं कर रहे, अकेले बैठ के पीछे खाए जा रहे। एक बार अपना शक्ल दिखा दीजिए अमित भैया। अमित भैया, अरे क्या मतलब ये इनका शक्ल है, ये देखिए इनका शक्ल जो ये उंगली में दिखा रहे हैं। तेरा अब्बा का भी यहाँ फादर है भाई, चचा का धोती में गाजर है भाई, जे तू खाएगा मजा आएगा, फिर चचा ही चचा तू गाएगा, तेरा डांस देखा चचा को मजा नहीं आ रहा, तू तो छमिया का जैसे बस हिला रहा बेटा, हम लोग तो तुम दम आलू खिला रहा हर चचा को। बस अब कुछ ही देर में हम सब पहुंचने वाले हैं पारसनाथ। तो पारसनाथ पहुंचने के बाद आपको बहुत सारे व्यूज और बहुत सारी नई नई चीज देखने को मिलेंगी। तो अभी लेट्स एंजॉय। तो ये देख सकते हैं आप, ये पहाड़ दिखना शुरू हो गया है और एक अलग सा वाइब आ रहा है जितना ही हम लोग नजदीक पहुंच रहे हैं पारसनाथ के। और जितने भी हमारे दोस्त हैं धीरे धीरे पूरा एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है सबके अंदर। ये बात अलग है कि इतना लंबा पहाड़ देखकर हमें डर भी लग रहा है कि उतना ऊंचा हम लोग चढ़ पाएंगे या नहीं, पर पूरी कोशिश करेंगे हम सब। ये देखिए पारसनाथ के मंदिर हम लोग पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल तरीके से सारे मंदिर को बनाया गया है। बुद्ध भगवान का मंदिर है, ये बुद्ध भगवान का मंदिर है, और ये देखिए बुद्ध भगवान का थोड़ा सा नजारा आप देख सकते हैं। वाओ यार, ये काफी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। ये फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पारसनाथ, और इस वक्त हम लोग माउंटेन चढ़ने वाले हैं। तो माउंटेन चढ़ने से पहले हमने जब यहाँ हम लोग पहुँचे तो यहाँ कुछ बाइक वाले मिले और उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ चार्ज लेकर आपको माउंटेन के ऊपर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही ऊपर है, 11 किलोमीटर यहाँ से आपको चढ़ के जाना पड़ता है, और हमारा टाइम भी थोड़ा हम लोग अनयूजुअल टाइम में आए हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं, तो इस वक्त हमने सोचा कि शायद हमें बाइक से ही जाना चाहिए। तो सीधा लेकर चलते हैं आपको पारसनाथ पहाड़ के सफ़र में। Let's go. So, we all are ready. क्या आप देख सकते हैं जितने भी हमारे दोस्त हैं सब तैयार हैं ऊपर चढ़ने के लिए। क्या आप सब तैयार हैं? How's the Josh? Here we go. जय भवानी। पहाड़ जो है हमें दिखना शुरू हो गया है,
और जो ऊंचाई है यहाँ देख सकता है वही हम लोग जा रहे हैं, सबसे जो सबसे ऊंचा आपको पहाड़ दिख रहा है वही जाने वाले हैं हम लोग। तो आप सोच सकते हैं कि वहां से कैसा व्यू आएगा। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर, एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा एक मंदिर दिख रहा होगा आपको, अगर आप, मुझे पता नहीं कैमरा में आप समझ पा रहे हो या नहीं, पर हमें एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है और शायद हम लोग वहीं जाने वाले हैं। कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी। ये देखिए जो मंदिर है वो साफ साफ इस वक्त नजर आ रहा है, और जैसे ही ये मंदिर की तरफ मेरी नजर पड़ी मैं और भी ज्यादा इस वक्त एक्साइटेड हो चुका हूँ। कुछ तो बता। और यहाँ जितने भी हमारे बाइक राइडर है, भैया आपका नाम? आदित्य श्रीवास्तव। आपका नाम? नाम अजय कुमार। अजय कुमार। और भैया आपका नाम क्या है? मनोज मुर्मू। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? 5 साल से। 4-5 साल से। और भैया आपका नाम? सुरेंद्र हुआ। सुरेंद्र, आप यहीं के लोकल है? 25 साल से गाड़ी चला रहा हूं। 25 साल। आपका उम्र कितना है? अरे आप तो कभी काफी जवान लगते हैं। देखिए बीच बीच में आपको चाय की टपरी और कुछ कुछ बिस्किट वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे ढाबा में। और यहाँ फाइनली हम लोग पहुंच ही चुके हैं। ये देखिए वाओ क्या नजारा है। देखिए यहाँ से अब हमें यहाँ से यू नो पैदल चल के जाना पड़ेगा मंदिर तक। 10 मिनट का लगभग यहाँ से रास्ता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे यू नो ढाबा जैसे हम कहते हैं, या आप चाय की टपरी भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ पे बनाए गए हैं, जहाँ पे आपको बिस्किट और जितने हल्के फुल्के नारियल फ्रूट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए ये है आगे की, आगे का जो मंदिर का रास्ता है वो ये है, और इसी रास्ते से होकर अभी इस वक्त हम मंदिर जाएंगे। एंड हियर वी आर, मंदिर फाइनली आ चुका है। पर यहाँ पे जितने भी हमारे दोस्त थोड़े थक चुके हैं और मैं भी थक चुका हूँ, अभी भी थोड़ी सी दूर मंदिर है आप देख सकते हैं। और यहाँ से ये आगे का रास्ता है, तो बस कुछ ही स्टेज और ये आप नजारा देख सकते हैं। वाओ बहुत ही सुंदर नजारा लग रहा है यहाँ से। मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता, चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता, बूंदों पे नहीं गहरे समंदर पे। ओ, 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 ओ। जैसा कि मैंने आपको दिखाया पारसनाथ मंदिर का जो पूरा सफ़र था, और हमारा सफ़र बोकारो स्टील सिटी से पारसनाथ मंदिर तक का था, और हम लोगों ने तो बहुत इन्जॉय किया और होप करता हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया। और अगर इन्जॉय किया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि इससे अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊँ तो और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ बनाऊँ। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। आने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए।